हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, क्लास 12th एक्सरसाइज 7.2 का। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक करेंगे। 30 तक इसके पहले कर चुका हूँ, अब क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। तो बच्चों देखो, बच्चों वीडियो पूरा देखो, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से हमारी और आपकी कंसंटेंटी अगर बन गई तो वीडियो आप जरूर देखोगे। ये नहीं थोड़ा देखा छोड़ दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वीडियो प्ले करते हैं तो जो दिखता है वो स्लो दिखता है, लेकिन एक दो स्टेप के बाद अच्छा दिखता है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर लाइट है इसलिए दिक्कत करती है, वो भी सही हो जाएगी धीरे धीरे। उस पर मत जाइएगा कि पूरा समझ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 31। 31 क्वेश्चन क्या है हमारा? 31 है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है हमारा 31 क्वेश्चन? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लगा हुआ है। इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। पूरी एक्सरसाइज में ही लिखा है, इंटीग्रेशन करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करेंगे? इसको अगर हम पी मान लें तो हमारा ऊपर देखो ध्यान से, साइन का कॉस होता है, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां उसका सब्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो क्या करेंगे, लेट डिनोमिनेटर जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसको हम टी मान लेंगे। लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब वन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, और कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। कॉस का क्या होता है? डी एक्स इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? डी टी। अब अगर जीरो में माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, और उधर भेद दो तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अगले स्टेप में भेजते, माइनस साइन आता उधर तो डिवाइड में जाता, इसलिए इसी स्टेप में भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि जीरो माइनस साइन करेंगे तो साइन आएगा माइनस का। अब साइन और डी एक्स दोनों मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब डी एक्स की वैल्यू ये हमारी आ गई, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, साइन जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसकी जगह हमें सॉरी टी लिखना है, क्योंकि हमने टी लिया है, तो ये टी स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। डी एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी? माइनस वन अपॉन साइन एक्स डी टी। साइन से साइन हमारा कैंसिल हो रहा है, कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? माइनस बाहर ले लिया, वन अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाएं तो पावर क्या होगी? ये निगेटिव हो जाएगी। अब एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है एक्स टू पावर एन? एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, यही आप अप्लाई कर देते हैं। यहां एन क्या है? माइनस दो,
तो टी की पावर माइनस दो प्लस वन हो जाएगा, नीचे माइनस टू प्लस वन प्लस सी, उस फार्मूले में खोल दिया। एन की वैल्यू यहाँ माइनस दो है, यहाँ एन था तो एन लिखा हुआ है। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट साइन है, क्या आ जाएगा माइनस टी की पावर माइनस वन और ये भी प्लस सी, ये माइनस ये कैंसिल हो गया हमारा, क्या आ गया वन अपॉन टी, ये माइनस माइनस और ये पावर माइनस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या थी हमारी वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों करते हैं 32। 32 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 32 और 33 दोनों में से एक चांसेस हैं इस बार आ जाए। क्या है 32 नंबर, वन अपॉन वन प्लस कॉट एक्स को इंटीग्रेट करना है हमें, क्या करेंगे कॉट एक्स को हम पहले सिंपलीफाई, उसकी जगह कॉट एक्स क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, थोड़ा इसको सिंपलीफाई पहले कर लेते हैं, कॉस एक्स को पहले थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स टू डी एक्स। अब एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये नीचे वाला पलट के ऊपर भेज दो, रेसिप्रोकल हो जाता है, या तो अगले स्टेप में भेजोगे तो एक स्टेप बढ़ेगा फिर, ये क्या करते हैं साइन ऊपर भेज दिया, नीचे क्या आया हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब क्या करते हैं टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डी एक्स। हमें ये चीज ऊपर बनानी है, कैसे बनेगी ध्यान देते रहिएगा। अब साइन टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टू है टू को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कॉस एक्स जोड़ देंगे और कॉस एक्स घटा देंगे, कॉस एक्स हमने घटाया और कॉस एक्स जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाए वही आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब इसको सेट कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक पास में लिख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फिर माइनस कॉस एक्स, अब यहां ब्रैकेट में लिया माइनस कॉमन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है लेकिन निगेटिव हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहां माइनस कॉमन लिया है कॉस ये निगेटिव है। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब क्या करते हैं डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन यहाँ प्लस है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये माइनस का साइन था, अलग अलग इंटीग्रेट ही कर दो क्या बार बार, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा वन, इसको टी मान लेंगे वन अपॉन टू
वन डी एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डी एक्स। अभी इसको हम डी मान लेते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी। अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइडों को, तो साइन का क्या होता है बच्चों कॉस, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी एक्स। यहाँ क्या हुआ है डिफरेंशिएट किया गया है दोनों साइडों को, दिए आएगा तो डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी वन अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी। अब वैल्यू ये पुट कर देंगे, यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पर, यहाँ नहीं इक्वेशन कहाँ बनी हुई है हमारी, ये यहाँ पर लिख देंगे वन अपॉन टू वन डी एक्स माइनस नीचे वाले को क्या माना है टी, ऊपर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू हमारी ये आई है, इसको लिख देंगे साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी टी, ये हमारा कैंसिल हो गया। इसको हमने क्या माना था टी, तो इसकी जगह हम टी लिख लेते हैं, वन अपॉन टी आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चों वन अपॉन टी। अब पता भी है कि वन अपॉन टी क्या होता है लॉग टी, तो वन डी एक्स क्या होता है एक्स, वन अपॉन टी का लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमने लेट की थी, आंसर हमारा आ गया लेकिन वन अपॉन टू दोनों के साथ लगेगा, इसके साथ भी, इसलिए अकेला नहीं रहेगा ये, इसके साथ भी रहेगा। ये एक्स हो गया माइनस वन अपॉन टू लॉग टी की वैल्यू लिख देते हैं, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ये पावर कहाँ आ जाएगी ऊपर निगेटिव में है, चाहो तो ये नीचे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी आंसर इसको लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, अगर ये पावर इसके ऊपर आएगी क्या होगा, पावर वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर है 32 आंसर आ गया है, चेक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 33। क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, 33 नंबर वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स, सेम क्वेश्चन है बच्चों। अब टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये कॉस पलट के ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स। अब क्या करेंगे वन अपॉन टू से ऊपर नीचे, दो से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ आ जाएगा सेम उसी टाइप का है। अब साइन एक्स इसमें भी जोड़ देंगे, साइन एक्स घटा देंगे, क्या आ जाएगा देखो कॉस एक्स
अब जो साइन घटाएंगे वो इसके साथ लिख लेंगे, जो साइन जोड़ेंगे वो दूसरे, एक कॉस लिख लिया एक बचा हुआ है वो आगे वाले के साथ लिख लेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कुछ भी लिख सकते हो, अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेते हैं, वन अपॉन टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ है प्लस डी एक्स पहले लिख लो, फिर कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हमारी वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या गया वन अपॉन टू। ठीक, इसको यहाँ टी मान लेते हैं अभी, लेकिन अगले स्टेप में करो या नहीं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करते हैं टी मान लेते हैं, लेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो कॉस का क्या होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, और कॉस साइन का कॉस होता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वन अपॉन माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, पहले कौन लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस यहाँ पहले था इसलिए पहले लिख दिया, इससे क्लियर हो जाए डाउट ना रहे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वन अपॉन टू यहाँ इसमें भी नहीं किया अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी क्योंकि वन अपॉन टू पूरे में कॉमन है। अब क्या करते हैं, वन डी एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन टी इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारी जो आई वो लिख देंगे, माइनस वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ऊपर लिख दिया है साइन एक्स, यहाँ था ऊपर लिख दिया है डी टी, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ भी वन अपॉन टू है। अब वन का क्या होता है बच्चों, वन का क्या होता है हमारा एक्स, डी एक्स है एक्स है तो एक्स होगा, टी होता तो टी लिखते, वन अपॉन टू लिख दिया, वन अपॉन टी क्या होता है लॉग टी प्लस सी। अब क्या करते हैं टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ गया अपना, लॉग मॉडुलस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नोट क्या इतनी जल्दी कहाँ करोगे, पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन नंबर करेंगे नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर करते हैं 32, 33 हो गया है, अब 30 ये क्वेश्चन करेंगे, 34 नंबर, अब इसको रफ कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हमारा, रूट में टेन एक्स अपॉन
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या दिया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसी वैल्यू बनानी पड़ेगी। इसमें डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर एज इट इज, नीचे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स एक कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू डीएक्स। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टाइम, और ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स, ये लिख दिया। अब बच्चों देखिए, अगर कोई चीज, ये टेन स्क्वायर है, एक मान लो टेन स्क्वायर है, अगर यही चीज रूट में हो तो क्या होगी, ये ऐसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, इस वैल्यू को टेन स्क्वायर का रूट क्या होता है, टेन एक्स, तो टेन एक्स को भी तो हम ये चीज लिख सकते हैं, यही चीज टेन एक्स की जगह यहां अप्लाई होगी। देखिए इन दोनों को हम रूट में लिख लेते हैं, ऊपर टेन एक्स, नीचे इसको जब रूट में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक टेन स्क्वायर खत्म, क्या बच जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ऊपर बच जाएगा और नीचे सिर्फ एक टाइम बचेगा, वो भी रूट में, ये डीएक्स। अब टाइम को हम मान लेते हैं टी, लेट टाइम एक्स इज इक्वल टू टी, टाइम को टी मान लिया, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम एक्स को, तो क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये हमारा sec स्क्वायर x आ गया dt upon dx, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 upon sec स्क्वायर x dx, यहाँ क्या आ जाएगा dt। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको टी मानना है, टी लिख दिया, डी एक्स की वैल्यू जो आई है हमारी, वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी टी, सेक स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, वन अपॉन रूट में टी डी टी, अगर हम रूट हटा दे तो पावर क्या आ जाएगी, वन बाई टू डी टी आएगी, रूट हट रहा है तो पावर वन अपॉन टू आएगी, आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों, निगेटिव पावर हो जाएगी, ऊपर से नीचे जब ले जाते हैं पावर चेंज हो जाती है, ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर, साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है निगेटिव। अब एक्स टू पावर एन अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, x प्लस एन एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इस पावर में वन जोड़ देंगे, इसमें भी वन अपॉन टू माइनस का प्लस वन प्लस सी। अब इसको हम अगर लेंगे टू वन जा टू, टू में वन माइनस कर दिया, क्या है वन अपॉन टू पॉजिटिव, लिख देते हैं टी की पावर वन अपॉन टू, नीचे भी वन अपॉन टू प्लस सी, ये टू पलट के ऊपर चला जाएगा, अगर ये रूट हटा दे तो ये इस वन अपॉन टू रूट में आ जाएगा प्लस सी,
अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू हमारी क्या थी, टेन एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर था ना। थोड़ा चेंज करना था यहां, सिंप्लीफाई करना था, उसके बाद तब इंटीग्रेशन करना है, तो थोड़ा याद रखिएगा इसे, सम्स में प्रैक्टिस करोगे एक दो बार याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं बच्चों, 35 लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, 1 प्लस log x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस log x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, 1 का क्या होता है बच्चों 0, log x का 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt, तो dx की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी यहां से x dt, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको क्या मानना है t, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, dx की वैल्यू क्या आई हमारी x dt, x से x कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हमारे पास t स्क्वायर dt, क्या हो जाएगा x टू पावर n, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, t की वैल्यू पुट कर दो क्या 1 प्लस log x पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर आ गया, नोट इट।